वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव. दिस इज यू नो दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथन्स द कम्युनिटी फीलिंग दैट एवरी वन कम्स टुगेदर एंड दे पार्टिसिपेट इन वेरियस एक्टिविटीज एंड संडेज आर नो मोर डल एंड लेजी एज दे यूज टू बी अर्लियर एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग. So unfortunately I am not a morning person, but when I came here today this morning I am on my way to the shoot and I came here and I realized that it's a great thing and probably even I should get up early and do something like this. मैं सबसे पहले साक्षी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो शूट को थोड़ा सा अपना लेट किया और मलाड में रहती हैं और मलाड को इतना अच्छा एक अट्रैक्शन मिला है. नोटबंदी के बाद लोग स्ट्रेस में थे और स्ट्रेस निकालने का एक बहाना मिला है और आप देख सकते हैं कि मुंबई के सबसे बड़ा ये मस्ती का प्रोग्राम हो रहा है और सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. आप देख सकते हैं छोटे बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन जितने लोग जो है इसका इंजॉय कर रहे हैं. मेरे ख्याल से इससे अच्छा और इनिशिएटिव कुछ हो नहीं सकता क्योंकि ये ट्रैफिक वाली दुनिया में आज की तारीख में मुंबई के अंदर अगर आपको 5 किलोमीटर भी अगर ट्रैवल करना है तो 2-2 घंटे लग जाते हैं और ये 2 किलोमीटर का रोड बंद करके लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं. आई थिंक सो नथिंग लाइक इट. इस बार इस संडे बहुत सारे एडिशन भी हुए हैं, रिंग दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐड हो रही है, हर संडे अलग लेवल पे जा. देखिए इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करने के लिए हर संडे हम नई नई चीज़ ऐड करते हैं. इस टाइम पे लाइव फाइट रखा है हमने जो शायद खाली आप टीवी पे देख सकते, इंटरनेशनल टीवी पे देखते हैं. टेक्वांडो हो गया, कराटे हो गया, इस तरीके से लास्ट टाइम हमने कुछ अलग इंट्रोड्यूस किया था, बक्वा जुम्बा, और इस तरीके से हर एक बार नई नई चीज़ ला रहे हैं. और इसके बाद वाला जो संडे आएगा वो अंकित तिवारी जी परफॉर्म करेंगे. सारे लोग जो मुंबई में रहते हैं और मलाड से कनेक्टेड है सब लोग अपना एफर्ट दे रहे हैं और मुंबई को और इस मलाड को एक बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. वॉक तो मैं करती हूँ लेकिन मैं शाम को करती हूँ, मॉर्निंग्स में नहीं करती. बट माय फैमिली इज़ हियर फ्रॉम राजस्थान, माय ब्रदर, माय नीसेस एंड नेव्यूज़, एंड ये लोग संडे को सुबह आते थे. लास्ट 2 संडेज से दे बीन कमिंग हियर एंड दे यूज़ टू टेल मी कि बहुत मज़ा आता है और बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं एंड इट्स लाइक अ मेला. सो आई यूज़ टू गेट वेरी एक्साइटेड कि आई मस्ट ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट. तो थैंकफुली आज मैंने आके खुद देख लिया यहाँ का नज़ारा. So hopefully morning, Sunday morning would be better. Thank you so much. Thank you. नहीं हूँ लेकिन सिंस इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है मिस्टर असलम शेख और मिस्टर पुनीत खन्ना ने और सिंस मैं मलाड वासी भी हूँ तो मैंने सोचा कि वाई नॉट टू जॉइन दिस इनिशिएटिव क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं एंड आई लव स्पोर्ट्स. माई बेस्ट स्पोर्ट इज़ बैडमिंटन तो आई एम श्योर यहाँ पे बैडमिंटन भी लोग खेलते हैं एंड आई वुड लव टू प्ले दैट. तो पूरा जो मलाड है यहाँ पर आया हुआ है और सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं एंड इट्स अ वेरी हेल्दी इनिशिएटिव बेसिकली. So I'm very proud that I stay here और thanks to him इन्होंने इतने अच्छे roads बना दिए एरिया के और ये एरिया के property rates भी इतने अच्छे बढ़ गए हैं because of him. He has made this area very beautiful. सब plantation, flowers आप बीच में देख सकते हैं. So ऐसे यहाँ से back road से निकलो तो ऐसा लगता नहीं है कि हम इंडिया में कहीं पर जा रहे हैं. It looks like कि हम कहीं बाहर हैं. और 2 साल पहले हमने tree plantation drive किया था जो यहाँ पे हमने कम से कम 5,000 trees प्लांट किए थे. सो आई थिंक ये एक हर एक इंडियन को करना चाहिए. अगर साल में एक इंडियन एक ट्री भी प्लांट कर ले तो 125 करोड़ तो ऐसे ट्रीज ऐसे ही प्लांट हो जाएंगे. सो आई थिंक ये हर एक को करना चाहिए एंड आई एम वेरी प्राउड कि मिस्टर असलम शेख ने इनिशिएटिव लिया, ये थॉट लिया. सो आई एम हैप्पी एंड कम्प्लीटली ओवरवेल्म्ड दैट दिस गाइज दे हैव कॉल्ड मी हियर. आप इसके बारे में क्या कहेंगे?
आई एम सो हैप्पी. मुझे ऐसा लग रहा था कि संडे मॉर्निंग कोई अपना बर्बाद नहीं करना चाहेगा. सुबह 7 o'clock और 8 o'clock की जो स्लीप होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. बट आई एम सो सरप्राइज टू सी सो मेनी पीपल हियर. देर आर एटलीस्ट 25,000 पीपल हियर और एवरीबडी वॉन्ट्स टू यू नो एन्जॉय एंड एवरीबडी इज़ हेल्थ फ्रीक ऑल्सो नाउडेज. सो सब लोगों को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रहता है, तो मेरे ख्याल से इसलिए सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम भी इसलिए यहीं पे आए हैं सबको सपोर्ट करने के लिए और ताकि हम भी खुद भी थोड़े बहुत गेम्स खेल सकें. रेजोल्यूशन यही लिया है कि सुबह जल्दी उठा करूं और ये उसकी शुरुआत है आज से, क्योंकि आज मैं जल्दी सुबह आया बिल्कुल अर्ली राइजर नहीं हूँ. मुझे सुबह उठने के लिए बहुत आफत आती है और आज भी मैं सोच रही थी कि क्या पता नहीं करेंगे जाके, बट व्हेन आई केम हियर बिल्कुल अलग यहाँ पर माहौल है. इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी एनर्जी इतनी हाई है यहाँ पे, सो यू ऑटोमेटिकली इंजॉय व्हेन यू कम हियर. तो जो सुबह का उठना था वो फ्रूटफुल रहा और मज़ा आ रहा है यहाँ पर आके, और अभी जाके हम कुछ गेम्स भी खेलने वाले हैं. ये हमारा एक पैशन था, बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि पूरी कम्युनिटी के लेके आए साथ में और ये इवेंट ऑर्गेनाइज करें. इट्स बीन वन ईयर, एक साल से मेहनत कर रहे हैं. फाइनली इट्स बीन सक्सेसफुल. 3 इवेंट्स वी हैव डन एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स. और वी आर वेरी थैंकफुल टू शक्ति एंड नेहा एंड असलम जी ऑफकोर्स हु हैव हेल्प्ड अस इन मेकिंग दिस इवेंट सक्सेसफुल. And he's putting lot of efforts. ये his family और कल रात को सब हम लोग ऐसे एक डिनर पे गए हुए थे एंड ही वॉज नॉट देयर बिकॉज ही वॉज बिजी हियर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एवरी थिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग सो ब्यूटीफुल. माय प्लेजर. आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग इट. यस यस ऑफ कोर्स. थैंक यू. मॉर्निंग ये पूरा अरेंजमेंट किया है मलाड निवासियों के लिए. आप भी यहां पे परफॉर्मेंस दिए, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम लोग तो पूरे वर्ल्ड में शोज करते हैं एंड ऑफ कोर्स कंट्री में तो करते ही हैं, बट यही कहना चाहेंगे कि इंडिया में तो हमने नज़ारा आज तक संडे मॉर्निंग का देखा नहीं है. वी हैव बीन एवरीवेयर. तो ये बहुत ही अमेजिंग इनिशिएटिव है, बिकॉज यूजुअली जब हम न्यूयॉर्क या बाहर जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं दैट संडे मॉर्निंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल, और वहाँ पे ये बहुत आम कल्चर है. तो ये बहुत अमेजिंग कल्चर है, क्योंकि इसमें एक तो फैमिली सपोर्ट के साथ में आती हैं एंड देयर सो मच फॉर एवरीवन टू डू. सो हैट्स ऑफ टू असलम शेख एंड द एंटायर टीम कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ शुरू करी जो आई एम श्योर इज़ गोना हैपन ऑल ओवर मुंबई वेरी सून. देखो संडे को यूजली मैं खाता हूँ सुबह सुबह उठ के अंडे, लेकिन यहाँ पे तो भैया झंडे गड़ गए और जो झंडे गाड़े हैं असलम शेख जी ने और पूरा इनकी जो टीम है मलाड मस्ती की, ऐसी मस्ती हुई, इतना मज़ा आया, ऐसा लग रहा था जैसे कॉलेज में हम लोग मस्ती करते थे ना कैंटीन में स्टेज के ऊपर चढ़ के और टेबल्स पे ऊपर चढ़ के, तो वैसी मस्ती हो रही थी. एंड दिस वाज नॉट लाइक अ टिपिकल शो, दिस वाज मोर लाइक कि यार सब लोकेलिटी के लोग इकट्ठे हो गए हैं. ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक लोकेलिटी के लोग जो मोस्टली एक दूसरे को जानते हैं, तो ये आई थिंक पूरे देश में होना चाहिए कि भाई एक अगर दिल्ली में कॉलोनी है दरियागंज, तो दरियागंज के लोग इकट्ठा होकर दरियागंज फेस्टिवल होना चाहिए. तो हर कॉलोनी का एक फेस्टिवल होना चाहिए एंड आई थिंक वेरी इंस्पायरिंग. और थ्री चेयर्स मीत ब्रदर्स की तरफ से इनकी पूरी टीम को और यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इनकी टीम जो है, तो वी लव्ड इट. सर आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का अभी आप न्यू ईयर में किस तरह का आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे? यूजुअली आपने देखा है हमारे हर एक आध महीने में कोई डिफरेंट फिल्म गाने होती है बिकॉज हम अलग अलग फिल्म में सॉन्ग्स करते हैं. तो हम यही आपको बताना चाहेंगे इस साल के बारे में दैट आपने हमारे से बहुत पार्टी म्यूजिक सुना है, इस साल आप हमसे कुछ रोमांटिक म्यूजिक जरूर सुनेंगे. कुछ अगर कुछ गीत आप अपने फेवरेट गाने में से कुछ आज आज के मौके पे कुछ गुनगुना सकते हैं जी. जरूर मैं डालूंगा. हमारा एक गाना जो है चिट्टियां कलाइयां, जिसकी वजह से हमें लास्ट ईयर सारे अवार्ड्स मिले थे, वो गाना जरूर गाएंगे जो हमारा जैकलिन फर्नांडिस के साथ वीडियो में हम आए थे. You're my darling angel, baby. White kalaiya drives me crazy. Shiny eyes say glitter, glitter, glittery. You're the light that makes me go hazy. Chittiya kalaiya ve, oh baby, teri white kalaiya ve. और आज जो यहाँ हमने जो नजारा देखा है मलाड वेस्ट में, उसके लिए हम we would want to leave by our हमारे गाने की जो लाइन है. Go where teri yaadon ka hangover. हम पे मलाड मस्ती का. थैंक यू सो मच. हैप्पी न्यू ईयर.